now this is the third today this is the third class of epistasis topic now third one types duplicate genes with cumulative effect duplicate genes with cumulative effects now what is cumulative effects डुप्लीकेट जीन यानी डबल सेम टाइप ऑफ जीन्स एंड डुप्लीकेट इन दिस केस कैपिटल एस एंड कैपिटल आर आर डुप्लीकेट जीन्स आइदर एस हो कैपिटल एस जो इफेक्ट ये शो करता है सेम इफ़ेक्ट आपका कैपिटल आर भी शो करता है तो यहाँ पे दोनों डुप्लीकेट है इसकी जगह ये रहे या इसकी जगह ये रहे जीन तो सेम इफ़ेक्ट शो कर रहा है सो डुप्लीकेट जीन्स विथ कुमुलेटिव इफेक्ट्स कुमुलेटिव का डिफ मीनिंग क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस तरह का इफेक्ट शो करता है और इसके लिए एग्जाम्पल्स लिया गया है कोट कलर ऑफ पिग पिक का कोट कलर पिग में भी किस तरह का पिग है ड्यूरोक जर्सी ब्रीड का ये पिग लिया गया है पिग में भी कई वेराइटीज हैं उसमें ये ड्यूरोक जर्सी ब्रिड ये एक मिनट हाँ ड्यूरो जर्सी ब्रिड ये लिया गया नहीं कैपिटल एस रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंडी कलर यानी सैंड बालू लाल बालू जो होता है सैंड उसकी तरह का कलर शो करता है कैपिटल आर भी सैंड कलर को शो करता है स्मॉल एस नो पिगमेंट कोई भी कलर नहीं शो करेगा स्मॉल आर नो पिगमेंट कोई भी कलर शो नहीं करेगा अब देखिए कोट कलर लिया गया है टू पी का तो दोनों को सैंड सैंड दोनों का कलर जो है कोट का दोनों पी का वो सैंडी कलर है सैंडी में भी इधर देखिए सैंडी के लिए कैपिटल एस रेस्पॉन्सिबल है या आइधर कैपिटल आर तो इधर कैपिटल एस ले लिए ये तो नो कलर है बट ये आपका डोमिनेंट है तो यहाँ आपका सैंडी कलर और इसमें कैपिटल आर है तो ये सैंड कलर दे रहा है दोनों रिस्पॉन्सिबल और इसके गैमिट्स आपके ये हो गए कैपिटल एस स्मॉल आर स्मॉल एस कैपिटल आर अब जब दोनों मिला एफ वन में कैपिटल एस एंड कैपिटल आर अब ये दोनों मिल के ये रेड कलर देगा तो ये जो रेड कलर का रिलेशन है कि जब दोनों सैंड वाले मिल गए दोनों साथ में जब मिल गए तो ये म्यूचुअल कलर आपका मिल के एक नया कलर आपका दे रहा है जो है सैंड ये सॉरी जो है आपका रेड तो ये म्यूचुअल कंप्लीमेंट्री सॉरी ये म्यूचुअल सप्लीमेंट्री जीन है कैपिटल आर एंड कैपिटल एस म्यूचुअल सप्लीमेंट्री आर म्यूचुअली जीन्स म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन्स कैपिटल एस एंड कैपिटल आर तो जब दोनों साथ में होंगे तो रेड कलर देगा अब इसमें इंटरब्रीडिंग कराएं तो ये दोनों दोनों साइड में पेरेंट्स को लिखें और उसके बाद ये फोर गैमेट्स इधर फोर गैमेट्स इधर और ये हमारा क्रॉस आया ठीक है अब इस क्रॉस में देखते हैं जैसे आपको आज क्लास में भी बताया हमने उस तरह से ये सारे लिख गए हैं कि ये कैपिटल एस एस कैपिटल आर आर इसको ये एक ही है तो ये सिंगल ये दोनों डबल है ये और ये आपका डबल है तो डबल फिर कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल आर कैपिटल आर एक यहाँ है एक यहाँ है तो ये भी दो हो गए आपके ये आपके आपकेट्रोजाइगस कैपिटल ए कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल आर स्मॉल आर आपके वन टू थ्री फोर तो ये फोर हो गए उसी तरह से सारे, ये सारे तो ये जीनोटाइप हो गए आपके ये जीनोटैपिक रेशियो हो गया तो ये पूरा आ गया अब इसमें देख रहे हैं जितने भी हमारे कैपिटल एस एंड कैपिटल आर यानी दोनों म्यूचुअल एक दूसरे को म्यूचुअल कहते हैं इक्वल है इक्वैलेंट हुआ है दोनों का बिल्कुल सेम है जैसे आपको अभी रेसेसिव एपिस्टेसिस जस्ट इसके पहले वाले क्लास का था वीडियो भी देखा और क्लास में भी बताया कि जब दो दो कैपिटल रह रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा था बट दूसरा पहले पे डिपेंड नहीं हो रहा था इस तरह से था रिलेशन बट यहाँ यहाँ पे जो रिलेशन है दोनों का इक्विवेलेंट बराबर बड़। एक जैसा दोनों का आपका इसलिए ये वर्ड आ गया म्यूचुअल म्यूचुअल सप्लीमेंट्री तो इस तरह का जो इफेक्ट है उसको कुमुलेटिव इफेक्ट करते हैं कि जब दोनों साथ में आ गया एक तीसरे तरह का कलर आ गया अभी देखिए दोनों अलग अलग है तो सैंडी सैंडी और जब दोनों मिल गया तो एक नया कलर आपका रेड कलर आ गया तो ये इस तरह का जो ये इफेक्ट है ये रेड कलर का जो आना दैट इज़ कोमुलेटिव इफेक्ट्स देख, तो अब जितने भी कैपिटल आर एंड कैपिटल एस वाले हैं यहां तक देखिए कैपिटल एस कैपिटल आर तो यहाँ तक आपका ये रेड कलर देगा और ये है नाइन आपका रेशियो जो है ये आपका नाइन है और इसके पीछे रीजन क्या होगा प्रेजेंस ऑफ बोथ कैपिटल आर एंड कैपिटल एस ठीक है ब्रैकेट में क्या लिखा दिस इज ड्यू टू कूमुलेटिव इफेक्ट और इसके ये क्यों हो रहा है इसके बीच कुमुलेटिव इफेक्ट्स हैं ये और म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन्स है दोनों कैपिटल आर एंड कैपिटल एस म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन्स अब केवल आपका यहाँ देखिए केवल कैपिटल एस है इसमें सिंगल है जीन हो या जीन पेयर में हो बट ये एस एस है इसमें दोनों आर है या सिंगल आर है बट केवल आर आर है तो आर भी सेंड के लिए हो गया ये दोनों भी सैंडी कलर के लिए हो गया इट मीन्स कि ये जो सिक्स हो गए ये सिक्स जो हैं वो सैंडी कलर दे रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हम लोग रीजन प्रेजेंस ऑफ आइदर एस और आर या तो एस है या आ, आर है एंड नहीं लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ या तो कैपिटल एस यहाँ देखिए कैपिटल एस कैपिटल एस या कैपिटल आर कैपिटल आर जब दोनों हो जाएंगे तो ये रेड दे देगा तो और होगा नीचे वाला ना कैपिटल आर है ना कैपिटल एस है तो आपने यहाँ देखा है कि नो पिगमेंट तो इसलिए ये वाइट हो गया तो अब हम लोग यहाँ पेरेंट्स को एफ वन में लिए हैं सैंडी तो यहाँ सॉरी पेरेंट्स को लिए तो एफ वन जो है वो हमारा रेड आया एफ टू में हमारा रेड सैंडी एक और नया वाइट आ गया तो एबसेंस ऑफ बोथ आर एंड एस और आइदर आर एस और आर दोनों में से दोनों में से ये दोनों में से भी कोई दोनों में से नहीं है या दोनों साथ में भी नहीं है किसी भी तरह से नहीं है ये सब केवल स्मॉल वाले हैं तो ये वाइट हो गया ठीक है तो ये आपका हो गया कुमुलेटिव इफेक्ट और डुप्लीकेट जीन कैपिटल आर एंड कैपिटल एस दैट इज डुप्लीकेट जीन्स अब इसको हम लोग रिटर्न मैटर में लिख डालेंगे डुप्लीकेट जीन्स विथ कुमुलेटिव इफेक्ट डुप्लीकेट जीन्स विथ कोमुलेटिव इफेक्ट ना सर्टेन फिनोटिपिक ट्रेट डिपेंड ऑन द डोमिनेंट एलेस हैं कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं डोमिनेंट एलेस पे डोमिनेंट एलेस हैं आपके कैपिटल आर एंड कैपिटल एस ऑफ टू जीन लोकाई फुल स्टॉप। वेन द डोमिनेट कंडीशन वेन द डोमिनेंट कंडीशन ब्रैकेट में होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस है ना डोमिनेंट कंडीशन देखा आपने कि या तो आपका दोनों ये वाला जैसे दोनों डोमिनेंट कंडीशन दोनों या होमोजागस हो या हेट्रोजाइगस हो किसी भी कंडीशन बट डोमिनेंट हो कंडीशन होमोजाइगस और हेटरोजाइगस ब्रैकेट क्लोज एट आइदर लोकस इन ब्रैकेट बट नॉट बोथ जब दोनों नहीं है यानी कि सैंडी कलर के लिए प्रोड्यूजेज द सेम फिनोटाइप कॉमा द एफ टू रेसियो बिकम्स नाइन इज टू सिक्स इज टू वन ये जो सिक्स आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है होमो और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलि दोनों लोकस पे बट साथ में नहीं है तो ये सिक्स डिजिट जो आ रहा है उसमें आपका ये देख रहे हैं ना ये सिक्स वाला जो है इधर होमो हो या हेट्रो हो ये होमो है या हेट्रो है तो इस तरह से एक नया आपका ये रेशियो नाइन एस टू सिक्स एस टू वन का आपका आ रहा है ना उस क्रॉस पे आइए इन द डरप जर्सी ब्रीड ऑफ पिग कॉमा कोट कलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पेयर्स ऑफ जीन्स ठीक है ये पिक का, का जो कोट कलर कलर है आपका वो डिपेंड कर रहा है इन्फ्लुंस हो रहा है टू पेयर ऑफ जीन्स से दैट इंटरेक्ट इन पिक्यूलियर मैनर वही जो आपका यहाँ पे जो है दोनों इंटरैक्ट कर रहा है एक पिक्यूलियर मैनर में क्योंकि एक अलग तरह का ये कलर दे दिया पिक्यूलियर मैनर फुल स्टॉप सैंडी कोट कलर रिजल्ट फ्रॉम ए डोमिनेट जीन कैपिटल एस और कैपिटल आर सैंडी कलर के लिए या तो कैपिटल एस हो या कैपिटल आर कॉमा एंड द होमोजाइगस रेसेसिव होमोजैगस रेसेसिव हो गया दोनों स्मॉल दोनों इधर भी स्मॉल इधर भी स्मॉल होमोजाइगस रेसेसिव तो दोनों रेसेसिव इज वाइट इन कलर जब दोनों ऐसे होगा तो वाइट कलर आपका देगा ना वेन ए सैंडी पीग सैंडी कैपिटल एस स्मॉल आर आर इज क्रॉस्ड विथ ए सेकेंड सैंडी पीग स्मॉल एस कैपिटल आर आर जो आप यहाँ लिए हैं सैंडी सैंडी इस तरह का दोनों कॉमा द एफ वन ऑफ स्प्रिंग वेर एयर फाउंड विथ रेड कलर कोट्स ठीक है अब देखा कि एफ वन जो है वो रेड कलर आ रहा है फुल स्टॉक सच इंटरेक्शन आर सेट टू बी द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन्स सेट टू बी द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन्स तो ये आपस में म्यूचुअल सप्लीमेंट्री जीन होगा ठीक है आपस में ना वेन एफ वन रेड कोटेड पिग क्रॉस ब्रीड एमंग देम सेल्फ जब आपस में ही क्रॉस करेंगे दे प्रोड्यूस रेड सैंडी एंड वाइट कोट्स इन द रेशियो ऑफ नाइन इंस टू सिक्स इंस टू वन तो अब इस तरह से जब एफ वन का आप लेंगे क्रॉस को तो देख रहे हैं कि आप सेम को ही दो एफ वन एफ वन पहले लिखा भी है कई में ये जो है ये एफ वन है इसी तरह का दो ले लिया यहाँ पे ये भी एफ वन है और ये भी आपका एफ वन है एफ वन एफ वन दोनों को ब्रीड करा है देम से दे प्रोड्यूस रेड सैंडी एंड वाइट कोट्स इन द रेशियो ऑफ नाइन इंस टू सिक्स इज टू वन ठीक है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स में आप इसको अच्छे से लिख लेंगे कि डुप्लीकेट जीन्स जो लिए ले रहे हैं विथ कोमुलेटिव तो यहाँ पे जीन भी डुप्लीकेट ले लिया यहाँ पे आप जीन को डुप्लीकेट भी ले लिया और साथ में वो एक कोमुलेटिव इफेक्ट्स आपका ये जो रेड कलर का देना दैट इज़ कोमुलेटिव इफेक्ट्स यहाँ लिखा भी है ये कोमुलेटिव इफेक्ट्स को शो कर रहा है और इसमें रेशियो जो है वो नाइन एस टू सिक्स एस टू वन का आपका ये आ रहा है तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगी अभी तो उसमें आप देखिएगा नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फिर हमारा ये कम्प्लीमेंट्री uh, ये दोनों रेसेसिव एपिस्टेसिस में सप्लीमेंट्री जीन को शो करता है भी और ये जो है डुप्लीकेट जीन्स विथ कमुलेटिव इफेक्ट में म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन को शो कर रहा है वहाँ पे सप्लीमेंट्री था आपका सी एंड ए का कैपिटल सी एंड कैपिटल ए के बीच में यहाँ पे म्यूचुअल सप्लीमेंट्री जीन हो गया म्यूचुअल सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पे ले रहे हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल एस तो दोनों में डिफरेंस है वहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन था यहाँ पे म्यूचुअल सप्लीमेंट्री है ये डिफरेंस है ठीक है आपको फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं एक बार यहाँ पे लिखा है ना ड्यू टू सप्लीमेंट्री जीन्स ये लास्ट वीडियो का है तो ड्यू टू सप्लीमेंट्री जीन्स सी एंड ए सी एंड ए कैपिटल सी एंड कैपिटल ए ये एग्जाम्पल में सप्लीमेंट्री जीन का भी एग्जाम्पल है और ये वाला जो है आपका ये म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन का ये एग्जाम्पल भी है तो दो तरह का ये सप्लीमेंट्री भी हो गया अब हम लोग कंप्लीमेंट्री जीन को पढ़ेंगे और डुप्लीकेट रसेसिव जीन्स को पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट जीन्स था केवल ऐसे डुप्लीकेट भी जो है यहाँ पर डुप्लीकेट जीन्स दोनों के लिए है डोमिनेंट वाला भी है एंड रसेसिव भी है दोनों है कि कैपिटल आर एंड कैपिटल एस वो डुप्लीकेट जीन ये भी है जैसे यहाँ पे ये दोनों दोनों डुप्लीकेट जीन्स है तो ये दोनों भी डुप्लीकेट है कि दोनों का सेम सेम इफेक्ट्स है नो पिगमेंट नो पिगमेंट उसी तरह से दोनों का सेम इफेक्ट है सैंडी कलर सैंडी कलर तो ये इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट जीन्स है ना तो रेसेसिव ना डोमिनेंट डोमिनेंट में भी और रेसेसिव में सेम है इसलिए केवल डुप्लीकेट जीन्स लिखा है यहाँ पर डुप्लीकेट रेसेसिव जीन्स लिखा है तो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं